हेलो एवरी वॉन वेलकम टू माई चैनल आई एम सृष्टि एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम क्लास एथ तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट इसकी मैं समरी बताऊँगी आपको तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई स्टोरी नहीं है ये एक तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन है एक समय का जब अंग्रेज थे और जो भी घटनाएँ उस समय घटी थी हमारे देश में तो मैं आपको एक शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है तो इस चैप्टर में हमें 1757 से 1857 तक 1857 तक जो भी कुछ देश में घटा हुआ है जो भी घटनाएँ उस समय हुई थी हिस्टोरिकल उनके बारे में बताया गया है तो पहली घटना जो है वो उस दिन की है जब भारत को आज़ादी मिली थी और लता मंगेशकर जो हमारे देश की प्रसिद्ध गायिका थी उन्होंने ए मेरे बदन के लोगों गीत गाया था ये है पहली घटना दूसरी घटना है सेवनटीन की जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के रूप में हमारे देश में आ गई थी और धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरीके से हमारे देश पर कमांड करना शुरू कर दिया था तो भारतीय रियासतें जो थीं वो बहुत दूर तक नहीं देख रही थी उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हमें इतना कमांड में ले लेगी लेकिन उन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों से और अपनी कॉन्स्परेसीज से ऐसा कर लिया और अंग्रेज़ों ने क्या किया फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थोड़े अजीब थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तीसरी घटना जो थी वो देश में ब्रिटिश शासन के अवधि का वर्णन करती है तो उसमें जो छुआछूत था बच्चों की शादियां करा दी जाती थीं बाल विवाह और जो लेडीज़ की बहुत ही ख़राब कंडीशन थी तो इन सब चीज़ों पर उस समय बात हुई इन सब समस्याओं का उदय हुआ और अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को बहुत नीचा दिखाना शुरू कर दिया और उनके ही अगेंस्ट हमारे ही देश के जो उच्च शासक थे उनके जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे थे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया उसके बाद जो घटना है उसमें प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय की चर्चा की गई है उनका मानना था कि भारतीयों को खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए और ख़ुद को नीचा नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की अंग्रेज़ों की ये एक चाल थी कि वो भारतीयों को उनकी ही नज़र में नीचा गिरा रहे थे ये दिखा कर कि तुम कितने नीचे हो और हम कितने सुपीरियर हैं हम कितने एडवांस्ड हैं तो ये सब कर रहे थे वो लोग ब्रेन वॉश करते दिमाग से खेल रहे थे वो और उनका जो राजा राम मोहन राय थे उनका मानना था कि हमारी जो संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा महान है और लोगों को बड़ी उपलब्धियों के लिए उन्होंने आगे लाए वो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए और एटलास्ट ऐसा कर दिखाया पांचवी घटना में ब्रिटिश जो शासक थे उनको उनका एक तरीके से एंड हुआ और विभिन्न कानून बनाए गए और जिसमें भारतीयों और अंग्रेजों के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए दुख और पीड़ा लाने के बहुत से तरीके जो है खोजे थे अगला एक भारतीयों के बीच असंतोष के बारे में चर्चा करता है भारतीय लोग बहुत चिंतित हो गए थे उनके राजाओं को कठपुतली बना लिया गया था एक तरीके से वो अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी और ज़मीन खो दी थी ज़मींदारी किस तरीके से काम कर रही थी किस तरीके से चालाक्य से वो उन्हीं की ज़मीन हत्या के उनसे काम ले रहे थे ये सब चीज़ें हो रही थी यहाँ तक कि यह धर्म बदलने तक पर मजबूर करने लगे थे और जो भारत के लोग थे वो बोलते बोलते थक गए थे कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे सातवीं कॉमिक स्ट्रिप स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए शुरुआती चिंगारी के बारे में बताती है किसानों पर लगाए जाने वाले लगातार बढ़ते हुए करों ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब कर दी आठवीं घटना 1857 के विद्रोह की है जो मेरठ के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था सिपाहियों ने मार्च किया और बहादुर शाह जैसे अपने सम्राटों का समर्थन करने के लिए दिल्ली चले गए और लास्ट में स्वतंत्रता संग्राम वर्ष एटीन में जो शुरू हुआ उसके बारे में बातचीत है प्रारंभिक विद्रोह मजबूत हो गया क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय किसान सैनिक रियासत शासक राष्ट्रवादी और बहुत सारे अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के सामान्य कारण में शामिल हो गए तो ये मार्टायर्स के लिए और किस तरीके से कितनी परेशानियाँ झेली गई हैं क्या क्या परेशानियाँ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने पैदा की हमारे लिए किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया इस संबंध में ये चैप्टर है तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं Uh, बाकी जब आप इसके आंसर्स पढ़ेंगे तो उसमें यही सब कुछ बताया गया है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये सब आप हिस्ट्री में भी पढ़ ही रहे होंगे तो इसे याद करना या समझना उतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर की थीम आपको समझ में आई होगी फॉलो कीजिए यानी कि सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच